भागलपुर को स्थायी किसी दिन न होगा, भागलपुर को स्थायी किसी दिन न होगा। लेकिन भागलपुर विश्वविद्यालय को अभी तक अस्थायी कुलपति नहीं दिया गया। हमारी मांग है कि अस्थायी कुलपति दिया जाए और जो भी प्रभारी कुलपति बनाए हैं, 4 महीना हो गया है कुलपति महोदय हनुमान पांडे का, लेकिन एक सप्ताह मुश्किल से समय नहीं दे पाए, 2 दिन से ज्यादा समय विश्वविद्यालय को नहीं दे पाए, जबकि उनका कार्यकाल 3 दिन यहाँ है, लेकिन एक भी दिन विश्वविद्यालय के में नहीं आए हैं। देख लीजिए विश्वविद्यालय का कुलपति ऑफिस ताला लगा हुआ है, वो 2 बजे तक पूजा करते हैं, फोन करते हैं तो 2 बजे तक रिसीव नहीं होती है फोन। कैसा कुलपति को बनाए वो फोन रिसीव नहीं कर पाते हैं छात्रों का या अधिकारी का। यह हमारे ऐसा विश्वविद्यालय को कुलपति नहीं चाहिए जो केंद्र बना दिए हैं मुजफ्फरपुर को। हम लोग मुजफ्फरपुर केंद्र नहीं बनने देंगे, हमारा भागलपुर विश्वविद्यालय केंद्र है, हमारे भागलपुर विश्वविद्यालय को अस्थायी कुलपति दीजिए, नहीं तो हम लोग अब विश्वविद्यालय में उग्र प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। सभी छात्र संगठन मिलकर हम लोग आज बैठे हुए हैं, हम लोग को जब तक विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। मगर बहुत अफसोस की बात है कि इस भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर कुत्ते सुअर घूम रहे हैं और इस यूनिवर्सिटी में एक वीसी नहीं है। यूनिवर्सिटी की हालत यह है कि मतलब बद से बदतर है। समझ में नहीं आता है कि इस यूनिवर्सिटी के साथ में क्या दुश्मनी निभाई जा रही। यही यूनिवर्सिटी थी, मैंने रात में पढ़ा, इसी यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे पूरे बिहार से बच्चे और झारखंड से बच्चे आकर के तालीम हासिल किया करते थे। मगर आज इस यूनिवर्सिटी की हालत यह है कि भागलपुर के बच्चे पटना और दिल्ली जाने के लिए मजबूर है। मैं भी इसी भागलपुर का रहने वाला हूँ मगर मैं दिल्ली जाने पर मजबूर हो गया क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की हालत यह कर दी गई है कि यहाँ बच्चे सही से सांस नहीं ले सकते हैं। जिस स्कूल या जिस घर में एक अच्छा जिम्मेदार इंसान नहीं हो वो घर कैसे चल सकता है, आप लोग भी समझ सकते हैं। इसलिए हमारी बस छोटी सी मांग है, हम कोई धरना देने नहीं, हमें किसी चीज की कोई परेशानी नहीं, हमें बस एक परेशानी है कि यहाँ परमानेंट वीसी लाया जाए और इस यूनिवर्सिटी को साफ सफाई की जाए और यहाँ की पढ़ाई को और अच्छा किया जाए। अच्छा तो पहले से था ही, इसको बर्बाद किया गया है, इसको सही तरीके से इसके अंदर सुधार की जाए और हमारी कोई मांग नहीं।